मुल्ला है, अहमश बलेरे है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी, बीसीसी के पास माजिद शेख भी है और निम्बोली टीम भी कुछ कम नहीं है, उनके भी जो खिलाड़ी है वो बहुत बेहतरीन है। राजा बढ़िया ऑलराउंडर है, निखिल दोनों ओपनर्स विस्फोटक और विध्वंसक अंदाज में शुरुआत कर सकते हैं यहाँ पर। अंपायर्स मैच की शुरुआत तुरंत करनी है। कोहली क्रिकेट राउंड से सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जीटीसी लाइव पर। आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है जय दुर्गा एंड आई एक्विरा कप 2021 में। आत कोहली में का ये खूबसूरत मैदान और बहुत हरे भरे वृक्ष इस समय मैदान के इर्द गिर्द और आजू बाजू में कुछ खेत भी है। गेंद बहुत दूर भी जाती है, रबर बॉल जब अच्छे से बैट्समैन टाइम करता है। पहले राउंड का मैच निम्बोली और बोरीवली के बीच में, पहला ओवर लेकर राहिल शेख। जी हाँ, राहिल शेख जिनका जिक्र करना मैं भूल गया था, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज, मैजिक ऑफ पड़गा के नाम से वो मशहूर हुए हैं भिवंडी क्रिकेट में। जिस तरह से पिछले बाली ट्रॉफी में भी उन्होंने गेंदबाजी की थी, ओपन का वो मैच था, कमाल की गेंदबाजी की थी। पहली गेंद लेकर राहिल, बहुत बढ़िया गेंद थी, स्टंप्स के काफी करीब से गेंद निकल गई। बैट्समैन खेलना चाहते थे ऑन साइड में, क्रॉस बैटेड शॉट खेलना चाहते थे, बीट हुए राजा। डॉट बॉल के साथ हुई है शुरुआत इस मैच की। अब ये आलम है कि ज्यादा डॉट गेंदे या फिर ज्यादा बड़े शॉट्स, डॉट गेंदे और बड़े शॉट्स ही ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, सिंगल डबल बहुत कम पिछले कुछ मुकाबलों में वो चीज देखने की मिली है। और इस मैच में भी शायद हो सकता है कि डॉट गेंदे विकेट्स शायद हमें देखने को मिले या फिर बड़े बड़े शॉट्स देखने को मिले। पहला रन स्कोर बोर्ड पर, एक रन बिना किसी नुकसान के। आई वज्रेश्वरी निम्बोली, एक बड़ी टीम है भिवंडी ग्रामीण की और कई सालों से ये टीम भी खेल रही है। पटकी हुई गेंद, बहुत बढ़िया उछाल वहां पर, बल्ला जरूर चलाया था, बाउंसर बाउंसर का अच्छा इस्तेमाल, वन फॉर दी ओवर का इशारा अंपायर ने किया है। अंपायर ने बता दिया है कि एक जो बाउंसर किया जा सकता है वो आपने कर लिया है, गेंदबाज को यही बताते हुए। इसके बाद यदि बाउंसर आप करते हो तो शायद उसको वाइड या फिर नो बॉल अंपायर घोषित कर सकते हैं। लेकिन बढ़िया गेंदबाजी करते हुए शुरुआत से ही राहिल, फिर से बढ़िया गेंद। राहिल एक ऐसे बॉलर है जिनके पास रफ्तार तो बढ़िया है लेकिन जब वो कटर डालते हैं तो वो बहुत नियंत्रण के साथ डालते हैं और बैट्समैन उसको परख नहीं पाते हैं। ये देखिए थोड़ा लेट मूवमेंट वहां पर गेंद में, अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं निखिल, स्ट्रगल कर रहे हैं, गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है। और राजा ने उनसे कुछ बातचीत की है, कुछ शायद कान मंत्र दिया होगा। इस बार पहले खेलना चाहते थे, फिर देखा कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, काफी जाने दिया लेकिन ये गलत फैसला साबित होता हुआ बैट्समैन का। खेलना चाहिए था उनको क्योंकि ये डॉट गेंद निकल गई है, लाइन के अंदर थी अंपायर के मुताबिक और कोई रन नहीं इस गेंद पर, स्कोर केवल एक रन, पहला ओवर चल रहा है, आखिरी गेंद लेकर इस ओवर की। राहिल इस बार बहुत खतरनाक गेंद थी, कुछ भी समझ नहीं पाए थे, शरीर से टकराई, रन मिल सकता है लेकिन रन लेने से मना कर दिया है वहां पर राजा ने अपने पार्टनर को। तो एक और डॉट गेंद और इसके साथ ही ओवर समाप्त, खराब शुरुआत कही जा सकती है निम्बोली टीम की, स्कोर केवल एक रन बिना किसी नुकसान के।
वेलकम साहिल। इसी बीच बहुत ही करारा स्ट्रोक बैकफुट पर जाकर ऑफ साइड में धमाकेदार शॉट 6 रनों के लिए राजा के बैट से साहिल शेख का यहाँ पर आगमन हुआ है, डोले के बेहतरीन ऑलराउंडर। लेकिन यहाँ पर गेंदबाज माजिद का स्वागत किया गया है। टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद थी, हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर जाकर उसको फोर्स किया था, ताकतवर शॉट खेला राजा ने। और इसी तरह के बड़े बड़े शॉट्स की उम्मीद अक्सर होती है राजा से। निखिल ने निराश किया, पहले ओवर में उनके बल्ले पर ही गेंद नहीं आ रही थी, लेकिन राजा ने अब छक्का जड़ दिया है तो एक उम्मीद की किरण जाग गई है कि यहाँ से और कुछ बड़े शॉट्स देखने को मिलेंगे निमोली टीम की ओर से। माजिद अपने बॉलिंग रनअप में चूकते हुए, देखिए बॉलिंग रनअप भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रबर बॉल क्रिकेट में। आमतौर पर जो लंबे बॉलिंग रनअप के साथ बॉलिंग करने वाले बॉलर होते हैं वो उतने लंबे बॉलिंग रनअप के साथ बॉलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि फिसलन रहती है मैदान में बारिश की वजह से, तो छोटे रनिंग बॉलिंग रनअप के साथ बॉलिंग होती है। बेहतरीन गेंद, अच्छा यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड यॉर्कर और बीट किया बैट्समैन को। स्कोर हुआ है 7 रन बिना किसी नुकसान के। फील्डिंग की जमावट डीप में, फाइन लेग है ऑन साइड में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खिलाड़ी, एक डीप मिड विकेट है, एक खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ है, ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ रखा गया है और एक डीप एक्स्ट्रा कवर और एक डीप कवर पॉइंट। और डीप थर्ड में इस बार दूर से छेड़खानी करने का प्रयास जरूर हुआ, लेकिन वाइड गेंद, आगे थोड़ा सा गेंदों को अब रखने की कोशिश हो रही है। एक अच्छा वाइड यॉर्कर डाला है इस ओवर में माजिद ने। माजिद एक ऐसे बॉलर, मुझे याद आता है जयदुर्गा अतकोली के टेनिस बॉल क्रिकेट के टूर्नामेंट में फाइनल मैच में एक बार उन्होंने मेडन ओवर किया था। बढ़िया गेंद, इस बार अच्छी लाइन, और राजा लगातार कहीं ना कहीं बैकफुट पर खेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अच्छी वापसी की है माजिद ने सिक्सर लगने के बाद। दो डॉट गेंदे कर चुके हैं और देखिए डॉट गेंदे ज्यादा देखने को मिली है पूरे पारी में अभी तक। इस बार कुछ अतिरिक्त रन मिलेंगे जी हाँ, वाइड है, विकेट कीपर ने दो गेंद को रोका है तो एक ही रन वाइड के रूप में। एमएस बलेरे स्टंप्स के पीछे इस समय, और बीसीसी बोरीवली का ये हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है, यहाँ पर कई बार फाइनल्स जीते हैं, लेकिन वो टेनिस बॉल क्रिकेट में, रबर बॉल क्रिकेट में ये तो पहला ही मैच है उनका भी इस मैदान पर। नाइन विदाउट लॉस आई वज्रेश्वरी निम्बौली। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार दूर से ड्राइव लगाना चाहते थे। ये एक अच्छी सोच की बॉलिंग है, क्योंकि राजा जो है वो फ्रंट फुट पर नहीं खेलते हैं ज्यादा, वो कहीं ना कहीं जानते हैं गेंदबाज, और देखिए उनसे दूर गेंदबाजी की जा रही है, ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर गेंदों को रखा जा रहा है, और राजा थोड़ा लेग स्टंप की तरफ जाकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तकनीक में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा शायद। इस बार बैकफुट पर जाकर हैमट किया है, गेंद जा रही है मिड ऑफ की तरफ, एक रन पूरा, दूसरे की कोशिश, यहां पर रन आउट का अवसर है। थ्रो बहुत अच्छा था लेकिन विकेट कीपर अहमश द्वारा गलती हुई, थ्रो को गैदर नहीं कर पाए, वरना राजा को जाना पड़ता पेवेलियन में। दो रन आखिरकार पूरे हुए और इन दो रनों से स्कोर दोहरे अंकों में पहुंच चुका है, 11 रन बिना किसी नुकसान के। एक बड़ा शॉट, उसके अलावा अब ये डबल जो कि बहुत जोखिम भरा था, एमएस के हाथ में गेंद आती तो निश्चित रूप से बैट्समैन रन आउट हो जाते। हैंड ग्लोव्स भी है उनके हाथों में, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद छिटक गई। कई खिलाड़ियों का मानना है कि गेंद आउटफील्ड में जाती है गीली होती है तो उसको पकड़ना मुश्किल होता है। और आगे रखी हुई गेंद, मोटा सिरा लगा है बल्ले का, सामने खेलना चाहते थे, पीछे गेंद चली गई और महज एक रन इस गेंद पर। तो अभी तक का जो खेल हुआ है उसमें बॉलर जरूर छाए रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये ओवर थोड़ा अच्छा रहा,
निम्बोली टीम के लिए, क्योंकि पहले ओवर में सिर्फ एक रन आया था, इस ओवर में 11 रन आए। दो ओवर का खेल पूरा हो चुका है, स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के, अभी भी दो ओवर बचे हैं। तो यहां से पलटवार क्या बल्लेबाज कर पाएंगे, आने वाले बल्लेबाजों में भी अच्छे अच्छे स्ट्राइकर्स है, लेकिन उनको मौका मिलता है या नहीं ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। समय का ख्याल रखना है प्लीज, आज कहीं ना कहीं शेड्यूल लेट चल रहा है। कुल मिलाकर 12 मैचेस आज होने हैं फाइनल को पकड़कर, तो ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है। ये केवल चौथा मैच है आज का, एक दूसरे राउंड का मैच हालांकि जरूर हुआ है। गेंदबाजी में परिवर्तन जो कि होना स्वाभाविक भी है। मॉन्टी के हाथ में गेंद, बायत के गेंदबाज पटकी हुई गेंद और हुक करना चाहते थे राजा, लेकिन चूक गए। बढ़िया बाउंसर के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज। देखिए टेनिस बॉल क्रिकेट यहाँ पर काफी होता रहा है, हर सीजन में यहाँ पर टूर्नामेंट्स होते हैं, एक नहीं दो नहीं तीन तीन टूर्नामेंट होते हैं आज को लीगाओ में टेनिस बॉल के, लेकिन शॉर्ट पिच गेंदबाजी उस टूर्नामेंट में कम देखने को मिलती है। ये रबर बॉल टूर्नामेंट है तो बाउंसर का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं बॉलर्स। इस बार एक रन पूरा किया है और दूसरे के लिए निकल पड़े हैं एमएश का। इससे पहले बाल बाल बच गए थे राजा, लेकिन इस बार नहीं, इस बार अहमद चूके नहीं, और जो गलती उन्होंने इससे पहले की थी उसको जरूर उन्होंने सुधार लिया है। तो इस तरह से पहला विकेट गिरा है, रनआउट के जरिए विकेट का पतन हुआ है 13 के स्कोर पर। बल्लेबाज कुछ खास योगदान नहीं दे पा रहे हैं। नए बैट्समैन आए हैं क्रीज पर, शुभम। क्या शुभम के क्रीज पर आने से कुछ शुभ होगा यहाँ पर निम्बोली टीम के लिए? चार ओवर के खेल में पिछले मैच में 45 रन बनाए थे वाफाले टीम ने, लेकिन दो ओवर में ही वो टारगेट चेस किया गया था वाशेरे टीम द्वारा। अब बारिश का आगमन, इस बार फुल लेंथ फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाए हैं बल्लेबाज, और निराशा स्पष्ट रूप से उनके चेहरे पर देखने को मिल रही है। जैसे ही उन्होंने शॉट खेला आसमान की तरफ देखा, मौका था, कमजोर गेंद थी, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। बारिश बारिश के चलते और भी मुश्किल हो सकता है बल्लेबाजों के लिए। इस बार तेज गेंद जरूर थी, बढ़िया कोशिश अहमश की, दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर, लेकिन अहमश की बढ़िया कोशिश वहां पर। थोड़ा सा नाटकीय क्रिकेट, दो रन पूरे और वाइट का इशारा, तो तीन अतिरिक्त रन मिलते हुए निम्बोली टीम को। तीन रनों की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 16 पर। कहां तक पहुंचेगी निम्बोली टीम की गाड़ी, बहुत बड़ा सवाल। सवाल तो कई है लेकिन जवाब थोड़ी देर में मिल जाएंगे। इस बार बैक ऑफ लेंथ, ऊपरी किनारा लगा है, थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद है, थोड़ा सा फंबल और जोखिम भरे दो रन पूरे। देखिए गेंदबाज काफी सवाल पूछ रहे हैं, पिच काफी सवाल पूछ रही है बल्लेबाजों से, सवालों से घिरा बैट्समैन का दम और क्या होगा उसका अगला कदम। 18 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर, तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। टॉस जीता इस मैच का बोरीवली के कैप्टन ने और पहले बॉलिंग करने का निर्णय अभी तक तो सही साबित हुआ है। मॉन्टी की अगली गेंद, इस बार इंप्रोवाइज तरीके से गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग लेग की तरफ, खिलाड़ी वहां पर भी मौजूद है। इस बार बढ़िया फील्डिंग, थ्रो हालांकि थोड़ा ऊंचा था, लेकिन अहमश को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है स्टंप्स के पीछे है विकेट कीपर की भूमिका में, पर अच्छा कार्य किया इस बार अहमश ने। एक ही रन इस गेंद पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 एक विकेट के नुकसान पर। निम्बोली टीम टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करती हुई, आज का ये पहले राउंड का तीसरा मैच है।
इस बार कट करना चाहते थे लेकिन कम उछाल वाली गेंद, और अहमश बहुत ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं। इस बार कोई रन नहीं लिया है बल्लेबाजों ने। तो ये डॉट गेम 3 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद होने वाला मैच स्वराज 11 डोले बनाम वावेगर। वावेगर के कैप्टन और स्वराज 11 डोले के कैप्टन, टॉस के लिए आपको आना है। कभी कभी हल्की फुल्की बारिश होती है, बूंदाबांदी होती है, तो कभी जोरदार वर्षा होती है। इस मैदान पर ये 2 दिनों के भीतर हमने यहाँ पर अनुभव किया है। आज हालांकि बारिश ज्यादा है, कल मौसम आज की तुलना में देखे तो अच्छा था मैं समझता हूँ, क्योंकि बारिश उतनी ज्यादा नहीं हुई थी, बीच बीच में पासिंग शावर्स आते रहे थे। और जब बारिश रुक जाती है तो बल्लेबाज अच्छा खासा मेला लूट लेते हैं। चला जास्त वेळ दौडू नका, दोन्ही संघांच्या खेळाडूंना विनंती असेल, आपल्याकडे वेळ फार कमी आहे। शेवटचं षटक या ठिकाणी घेऊन गोलंदाज सज्ज होईल सिन्नान। शेवटचे 6 चेंडू निंबवली संघाकडे आहेत आणि या 6 चेंडूंमध्ये किती धावा त्यांचे फलंदाज जोडतील याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय। राजा बाद झालाय, निखिल आणि शुभमची जोडी खेळपट्टीवर आहे। शुभमकडे स्ट्राइक, सिन्नानचा पहिला बॉल, ओ सुरेख बॉल, आणि आता पहा बॉल किती स्किड होतोय, किती झपकन निघून जातोय टप्पा पडल्यानंतर। हेच होतंय रबर बॉल क्रिकेटमध्ये, पाऊस जेव्हा खेळपट्टीवर येतो, खेळपट्टीवर जेव्हा पाणी साचतं तेव्हा मात्र फलंदाजी करणं फार अवघड। काल कल्पेश राऊतच्या छाताडामध्ये बॉल लागला देखील होता, एवढा झपकन वेगाने तो बॉल आला होता। यावेळेस शॉर्ट आर्म पुल बॉल आवेत आहे, मिस टाइम स्ट्रोक, मात्र नो मॅन्स लँड मध्ये दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न असेल फलंदाजांचा। यस, 2 धावा अगदी सहजपणे कंप्लीट होत आहेत, धावसंख्या जाऊन पोहोचली 21 वर। फक्त एक षटकार या इनिंग्स मध्ये आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे, त्या व्यतिरिक्त अप्रतिम गोलंदाजी गोलंदाजांनी केली आहे, जबरदस्त गोलंदाजी। सिन्नानची ही ओळख आहे, त्याच्याकडे आधीच चांगला वेग आहे आणि आता तर खेळपट्टी देखील त्याला साथ देते। खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी करत नाहीये, त्याला माहित आहे की खोलवर टप्प्याचे चेंडू टाकले तर फलंदाजांसाठी थोडस सोपं होऊ शकतं, कारण बॅटच्या रडार मध्ये बॉल येऊ शकतो, त्यामुळेच गुड लेंथ किंवा स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ चेंडू टाकले जात आहेत। यावेळेस मात्र खोलवर टप्प्याचा बॉल, खऱ्या अर्थाने नशिबाशी साथ मिळाली आहे फलंदाजाला आणि मौलिक 4 धावा निंबवली संघाला। खेळायचं होतं कुठे आणि बॉल गेलाय कुठे, मात्र हे क्रिकेट आहे, या क्रिकेटच्या खेळामध्ये कधी काय घडेल याचा नेम नाही। 4 धावांनी धावसंख्या 25 या आकड्यावर जाऊन पोहोचले, शेवटचे फक्त 2 चेंडू शिल्लक। एखादा मोठा फटका या 2 चेंडूंवर आला तर 30+ टोटल पाहायला मिळेल कदाचित, प्रयत्न केले जातील। मात्र काय गोलंदाजी होते, यावेळेस बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, धावचितची संधी, परंतु ती संधी गमावली गेली। तिन्ही एष्ट्या अगदी समोर होत्या अहमदच्या, परंतु त्याचा निशाणा चुकलाय आणि 1 धावाखेर या बॉलवर आली आहे। स्कोर कार्ड आपण पाहतोय 26 रन्स, एकच गडी बाद झालाय पण वेगानं धावा जोडता आल्या नाहीत फलंदाजांना। आणि निखिलचा प्रयत्न शेवटपर्यंत अपुरा दिसतोय, त्याला काही यश मिळालं नाही, मात्र 2 धावा तरी देखील येथे 22 रूपात जरूर मिळत आहेत आणि 3 धावेच्या प्रयत्नात फलंदाज बाद। तर अशा पद्धतीनं डाव समाप्त होतोय निंबवली संघाचा। टॉस गमावल्यानंतर त्यांनी प्रथम बॅटिंग केली आहे या पहिल्या फेरीच्या मॅच मध्ये बीसीसी बोरिवली संघासमोर, फक्त 28 धावांपर्यंत मजल मारली आहे 2 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि 29 धावांचं टार्गेट असणार आहे बीसीसी बोरिवली टीम समोर।
टॉस साठी या वावीगर संघाचे कॅप्टन आणि त्याचबरोबर स्वराज इलेव्हन ढोळी संघाचे कर्णधार, दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स टॉस साठी या। अंपायर जरा कन्फर्मेशन द्यायचं आहे, शेवटच्या बॉलवर दोन दावा आहेत की डॉट बॉल आहे, पंचांनी कळवायचं आहे। दोन दावा, यस ओके, पंचांचा निर्णय अंतिम राहील। वावेगर टीमचे कॅप्टन आपण टॉस साठी या। पुढील सामन्याची नाणेफेक केली जाईल आणि याच दरम्यान सुफियान शेख, भिवंडी क्रिकेट मधील एक मोठं नाव सुफियान शेख बिग मॅन यांच्या माध्यमातून राफित दासा यांच्यासाठी बेस्ट कॉम्प्लिमेंट्स आलेले आहेत, हार्दिक शुभेच्छा त्यांनी कळवलेल्या आहेत राफित यांच्यासाठी आणि या स्पर्धेला देखील त्यांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। काल त्यांचा संघ एससीसी पडगा या ठिकाणी खेळून गेला, मात्र हवी तशी कामगिरी त्यांच्या टीमला करता आली नाही, परंतु भरपूर चांगलं क्रिकेट आपण सुफियानच्या माध्यमातून नेहमीच पाहिलेलं आहे। थँक्यू सो मच सुफियान शेख। पंच पुन्हा एकदा कन्फर्मेशन द्यायचं आहे, डॉट बॉल असणार आहे। ओके, खूप चांगलं डिसिप्लिन क्रिकेट संपूर्ण स्पर्धेमध्ये खेळलं गेलेलं आहे आणि यापुढे देखील डिसिप्लिन सर्व खेळाडू मेंटेन करतील अशी अपेक्षा आहे। खर तर आपल्यामध्ये असलेले मैत्रीचे चांगले संबंध जोपासण्यासाठी या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि त्यामुळेच आपण पाहतो की पडगा विभागा व्यतिरिक्त देखील काही संघ इकडे येत आहेत, ज्यामध्ये काल भाटावळी संघ आला, तसेच खांबाला टीम देखील इथे खेळून गेली, आज डाकिवली संघ खेळणार आहे आणि आपण पाहतो निंबवली संघ, भिवंडी ग्रामीणचा संघ इथे खेळतोय। चांगले मैत्रीचे संबंध आहेत सर्व खेळाडूंचे आणि ते संबंध आपल्याला जोपासायचे आहेत। आज आपला स्वातंत्र्य दिवस आहे, पुन्हा एकदा सर्वांना या स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा आणि सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत या स्पर्धेमध्ये, जय दुर्गा स्पोर्ट्स आतकोली आणि आई एकविरा भादाणे या दोन्ही संघांच्या माध्यमातून, या दोन संघांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेली ही स्पर्धा आहे, जय दुर्गा आणि आई एकविरा चषक 2021। तर सामना सुरू आहे बीसीसी बोरिवली विरुद्ध आई वज्रेश्वरी निंबवली, टार्गेट जे आहे ते 27 धावांचं असणार आहे, आता चार ओव्हर्स मध्ये 27 धावा
इथे पुढील सामन्याची नाणेफेक संपन्न केलेली आहे। तर टॉस जो आहे तो ढोले संघाने जिंकला। प्रथम फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय। वावीगर संघ प्रथम पुढच्या मॅच मध्ये बॅटिंग करणार आहे। बीसीसी के ओपनर्स बीच मैदान में शाहिद खान और उनके साथ अहमश बलेरे। एबी अहमश बलेरे शाहिद के पास स्ट्राइक। पहला ओवर लेकर शुभम दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। इस बार देखिए गेंद हाथ से छिटक गई है, डेड बॉल। गेंद हाथ से छिटकी है इस तरह से कोई बात नहीं, लेकिन मैच हाथ से आपके नहीं छिटकना चाहिए, यही निम्बोली के दर्शक कह रहे होंगे। लेकिन उतना आसान अब काम बनेगा नहीं निम्बोली के लिए, क्योंकि छोटा स्कोर बनाया है उनके बल्लेबाजों ने। लेकिन लो स्कोरिंग मैचेस भी कई दफा रोचक हो जाते हैं। टॉस गेंद घुमा दिया है, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वेयर लेग रीजन में, डीप में फील्डर मौजूद वहां पर। एक रन मिलेगा शाहिद खान को। प्रेक्षकांना एक नम्रतेची विनंती आहे, आमचे जे कॅमेरामॅन आहेत जीटीसीचे त्याच्या कॅमेरामॅनच्या खाली जिथे प्रेक्षक आहेत त्यांनी तिथून बाजूला व्हायचंय प्लीज। दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि कोऑपरेट करें हमें। एमएच के पास स्ट्राइक, अगली गेंद। ओ, बहुत बढ़िया गेंद थी, अच्छी रफ्तार, तेज रफ्तार से डाली हुई गेंद, और अहमश उसको कट करना चाहते थे, स्क्वेयर कट लगाना चाहते थे, लेकिन बिट हुए। स्क्वेयर कट शॉट्स बड़े कम बल्लेबाजों ने खेले हैं, और जब भी तेज बॉलिंग हुई है तो बहुत रेयर स्क्वेयर कट्स देखने को मिले इस टूर्नामेंट में। हाँ, धीमी गति की गेंदबाजी पर जरूर थोड़ा आसान हुआ है बल्लेबाजों को खेलना। इस बार ओवर पिच थी, ड्राइव किया उसको बहुत खूबसूरती के साथ। एक रन पूरा कर रहे शाहिद और अहमश, बहुत ही बढ़िया गेंद को वहां पर कलेक्ट किया, थ्रो को गेंदबाज शुभम ने। दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं शुभम दोनों भी ओपनर्स पर। एक एक रन बचाना होगा यहां पर मैच को जीतने के लिए निम्बोली के गेंदबाजों को और फील्डर्स को। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, हुक करना चाहते थे शाहिद, दिशाहीन है गेंद, लेग स्टंप के बाहर, वाइड घोषित कर दिया है अंपायर ने। अतिरिक्त रन यहाँ पर खर्च करना बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है निम्बोली टीम के लिए, क्योंकि ये तो गरीबी में आटा गीला करने वाली बात है। एक तो रन आपने पहले ही बहुत कम बनाए हैं इस, और उसमें इस तरह के फिजूल के रन आप खर्च नहीं कर सकते हो। अब ओवर द विकेट, इस बार बड़े अटपटे ढंग से स्ट्रोक को चेक किया अंतिम क्षणों में। अच्छी गेंद थी शरीर की तरफ आती हुई, लेकिन शाहिद खान ने आखिर में उसको किसी तरह से संभाला। एक रन। अच्छा बैटल चल रहा है इस ओवर में, शुभम अच्छी कोशिश कर रहे हैं, अभी तक तो कोई बड़ा शॉट नहीं लगा है, चौका या छक्का पहले ओवर में देखने को नहीं मिला है। स्कोर मात्र 4 रन, 27 रनों का पीछा करती हुई बीसीसी बोरीवली टीम। इस बार ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ और उसको खदेड़ कर निकाला है, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है। फील्डर बहुत दूर है और फील्डर ज्यादा तेजी से भाग भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गीला मैदान, गीली आउटफील्ड है, फिसलन है मैदान में, और उसका फायदा बल्लेबाज उठाते हुए। 2 रन इस गेंद पर। तो ये बल्लेबाजों को अब फायदा मिलता हुआ कि आउटफील्ड गीली है, फील्डर्स के लिए उतना आसान नहीं है, हालांकि बैटिंग करना भी उतना आसान नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बल्लेबाजों को दुश्वारियां आती है जब बारिश होती है, कुछ ड्रॉबैक्स फील्डिंग में भी रहते हैं। ये गेंद तेज है, फुल टॉस थी, लेकिन देखना है बैट से लगी या नहीं, और वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। लेग स्टंप के बाहर भटक गए, बल्ले से कुछ ज्यादा खास योगदान बल्लेबाज तो नहीं दे पा रहे, लेकिन अतिरिक्त रन उनकी सहायता कर रहे हैं इस पहले ओवर में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान के।
देखिए अभी तक इस ओवर में 3 अतिरिक्त रन खर्च किए हैं शुभम ने। राइट लेफ्टी का कॉम्बिनेशन लाइन को मेंटेन करना उतना आसान भी तो नहीं बनता है। इस बार बेहतरीन ड्राइव स्क्वायर ऑफ द विकेट, शाहिद खान का एक नजाकत भरा स्ट्रोक, लेकिन डिप में फील्डर मौजूद है। एक ही रन और इसके साथ ही ओवर खत्म होता हुआ। पहले ओवर के बाद बीसीसी ने बनाए हैं 9 रन और उनका कोई भी विकेट नहीं गिरा है, यानी कि अच्छी शुरुआत है बीसीसी की। भले ही बड़े शॉट्स बल्लेबाज नहीं खेल पाए, लेकिन टारगेट को देखते हुए यह अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। अब 18 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। नेवर की शुरुआत राजा करते हुए, उनके सामने है शाहिद खान। स्विंग एंड मिस, अच्छी गेंद, ये डॉट निकल गई है। हालांकि शाहिद खान इस तरह की गेंदों पर बहुत बड़े बड़े प्रहार करते हैं। हार्डी बैट से खेलने का प्रयास किया था, चूक गए। इस बार फुलर लेंथ ड्राइव किया है, अच्छी नोकझोंक चल रही है गेंद और बल्ले के बीच में। एक रन इस गेंद पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 पर पहुंच चुका है डबल फिगर्स में बीसीसी का। विकेट अभी तक नहीं मिला है, वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बनता जा रहा है अब निम्बोली टीम के लिए। आयमश पलेरे के पास अब स्ट्राइक, उनके लिए ऑन साइड में 5 फील्डर्स बाउंड्री पर, 4 ऑफ साइड में। फुल टॉस है, इस बार जहां खेलना चाहते थे वहां पर खेल नहीं पाए एमएच बलेरे, लेकिन कुछ रन्स फिर भी मिल जाएंगे उनको और 2 रन उन्होंने दौड़कर पूरे कर लिए हैं। ऑन साइड में एक लंबा हिट लेना चाहते थे, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। हल्का सा मेरे ख्याल से वो लेट हो गए स्ट्रोक में, नहीं तो ये गेंद वो बहुत दूर भेज सकते थे। किस्मत वाले हैं राजा के इस गेंद पर चौका या फिर छक्का बल्लेबाज जड़ नहीं पाए। इस बार जरूर छक्का होगा, जी हाँ, शॉर्ट पिच गेंद, उसका उठाया फायदा अहमश बलेरे ने, शानदार छक्का। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, एक और कमजोर ढीली गेंद, उसको सही नसीहत दी है इस बार अहमश ने। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और कंफर्टेबल हाइट पर आई वो बैट्समैन अहमश के लिए, बहुत आसानी के साथ बैकफुट पर जाकर पुल किया गेंद को 6 रनों के लिए। इन 6 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ बीसीसी का 18 पर पहुंच चुका है। और फिर से आड़े बैट से खेलने का प्रयास, लेकिन ये वो लेंथ नहीं थी जिस पर आप पुल या शॉर्ट आर्म पुल लगा सकते थे। इस बार गलत स्ट्रोक का चयन और डॉट गेंद। जब भी अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदे की है गेंदबाजों ने, तो बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल काम बना है रन बनाना। इस बार पटकी हुई गेंद, टॉप एज लगा गेंद हवा में, फील्डर तक कैरी नहीं हुई है। एक रन लेने का अवसर और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर के बाद 19 रन, कोई विकेट नहीं गिरा है बीसीसी का, यानी कि जीत की तरफ निश्चित ही रूप से बढ़ रही है बीसीसी पड़गा बोरीवली टीम। बचे हुए 2 ओवर्स में केवल 8 रन चाहिए। इसके बाद होने वाले मैचेस देखना मत भूलिएगा। अगला मैच है वावेघर और स्वराज 11 ढोले के बीच में, उसके बाद श्रीराम स्पोर्ट्स जांबोपाड़ा और कबीर 11 खानीवली के बीच में बहुत ही बड़ी टक्कर है। एक तरफ सुरेश पारदी रहेंगे तो दूसरी तरफ शेखर दलवी, पड़गा विभाग के 2 दिग्गज खिलाड़ी, 2 बड़े खिलाड़ी। और उसके बाद पहले राउंड का अंतिम मैच होगा वडवली और डाकीवली के बीच में। नेवर लेकर निखिल, और निखिल तो कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे इस मैच में, बल्लेबाजी में निराश किया और बॉलिंग में भी खराब शुरुआत, वाइट के साथ शुरुआत और उस पर एक रन भी दौड़कर पूरा किया गया है, यानी कि 2 रन तोहफे के रूप में। अब काम बहुत ही आसान बनता जा रहा है बोरीवली के बल्लेबाजों के लिए, मात्र अब 6 रन चाहिए। एक बड़ा शॉट मैच
फिनिश हो सकता है, लेकिन अहमश जानते हैं कि बड़े स्ट्रोक के चक्कर में डॉट गेंदे भी हो सकती है। अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर ढकेल दिया था बैट्समैन को, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से उसको खेला, पुश किया ऑफ साइड में और एक रन। मात्र 5 रन दूर एक बेहतरीन जीत से बीसीसी बोरीवली। निम्बोली की जो टीम है जरूर अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन वो क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए। ये गेंद वाइड यॉर्कर की कोशिश और ये नो बॉल, क्रीज के बाहर गेंद पिच हुई थी जिसके चलते अंपायर ने नो बॉल घोषित कर दिया है। अब शाहिद खान के मौका है कि वो मैच विनिंग स्ट्रोक खेले, क्योंकि जीतने के लिए तो केवल 4 रन चाहिए। और अगली गेंद है फ्री हिट, फ्री हिट गेंद लेकर निखिल, बेहतरीन स्ट्रोक, बेहतरीन कवर ड्राइव, 4 रन शाहिद खान ने, लाजवाब स्ट्रोक, और इसके साथ ही ये मुकाबला जीत लिया है बीसीसी पडगा बोरीवली टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बीसीसी बोरीवली एंड हार्ड लक आई वज्रेश्वरी निम्बौली।